हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेडिसिन के ऊपर टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाए, क्योंकि ये तो गुड्स है और वैसे भी मेडिकल की चीजें हैं, तो क्या इस पे भी टीडीएस डिडक्ट हो सकता है? तो जी हाँ, डिडक्ट तो हो सकता है और होता भी है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपने मेडिसिन सेल किया है, ठीक है, या परचेस किया है बल्कि, तो उस कंडीशन में जो है उसमें टीडीएस डिडक्ट होता है। ठीक है, तो कैसे होता है आइए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक नई कंपनी बनाएंगे और उसी में हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से चलते हैं और यहाँ से ऑल्ट F3 करते हैं नई कंपनी बनाने के लिए, और यहाँ से क्रिएट कंपनी। ठीक है, यहाँ पे आए, एंटर किया। जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक नया फॉर्म खुल जाता है। तो यहाँ पे मेडिकल नाम से एक कंपनी बना लेते हैं और यहाँ पे एड्रेस सेम रहेगा, न्यू कॉलोनी देवरिया DEORIA। इतना बड़ा जब सेलिंग होता है, सॉरी, इतनी बड़ी जब आप परचेजिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका टीडीएस डिडक्ट होना लाजमी सी बात है। तो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट हो सकता है, मेडिकल कामों में भी टीडीएस डिडक्ट होता है। जब बहुत लार्जेस्ट अमाउंट में चीजें ये होती हैं तो उस समय टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर दिया हमने, एंटर किया। ये तो आप जानते ही हैं ये कैसे करना है, ये सब डिटेल आप भर भर के उसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, और एक्सेप्ट कराने के बाद क्या करना है, यहाँ से बाहर आना है। ये टैली की मेन मेन्यू है, यहीं पर हमको सारा काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो टीडीएस को इनेबल करना है। तो यहाँ से F11 करिएगा और यहाँ से आ जाइएगा कहाँ पे, यहाँ देखिए, ये कंपनी फीचर है, ये अकाउंटिंग फीचर है, ये इन्वेंट्री फीचर है, और स्टेटरी एंड टैक्सेशन है। तो यहीं पे आना है और एस प्रेस कर देना है और यहाँ पर अपनी कंपनी चूज कर लीजिएगा, एंटर करिएगा। ठीक है, हमें फिलहाल जीएसटी चालू नहीं करना है, हम टीडीएस ही चालू करेंगे। तो यहाँ पर आकर के यस करिएगा और यहाँ पर अल्टर भी कर लीजिएगा इसे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो 10 नंबर है, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर वो आएगा। तो जो भी आपका 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दे दीजिएगा, और फिर यहाँ पे टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर आता है तो वो भी दे दीजिएगा। और यहाँ पे एज कंपनी मैं रख लेता हूँ, और यहाँ पे ब्रांच डिवीजन जो आपका हो वो दे दीजिएगा, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम, जैसे हितेश, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैंने नाम दे दिया उनका। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पे सन ऑफ फादर ऑफ डॉटर ऑफ जो भी हो ये दे करके एंटर करके और लास्ट तक एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। ठीक है, कह रहा है कि ये देखिए, ये अपने आप आ रहा है, रेट ऑफ टीडीएस इफ पैन नॉट अवेलेबल 20%, ये अपने आप आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको मिलता है एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ कंट्रोल ए कर दीजिएगा, और ये कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाइएगा और यहाँ से बी बटन प्रेस कीजिएगा। अब आ गए सीधा परचेज वाउचर में, और यहीं पर तो टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, डेट वगैरह देख लीजिएगा, अगर चेंज करना है तो आप F2 करके चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिलहाल हमें डेट नहीं चेंज करना, आप सीधा आते हैं यहीं पे। ठीक है, और यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे रोहन मेडिसिन सर्विस, ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, ये हो गया, एंटर करेंगे और ये सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टीडीएस डिडक्टेबल यस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये कंपनी कर देते हैं इसको, कंपनी नॉन रेजिडेंस कर देते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल देनी बड़ी जरूरी, ठीक है, तो यहाँ पे जो पैन कार्ड की डिटेल है वो जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, और ये इनवैलिड पैन कार्ड नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो भी आपका पैन कार्ड का सही डिटेल हो वो भरिएगा यहाँ पर और एंटर करिएगा और इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा और एंटर करके यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर परचेज का एक लेजर बनता है, तो यहाँ PURCHASE परचेज अकाउंट का एक लेजर बना डालिए। ठीक है, और यहाँ पे ये ग्रुप रहेगा परचेज का, तो यहाँ पे परचेज का ग्रुप डाल दीजिए और यहाँ पर इसे यस करिएगा। ठीक है, एप्लीकेबल रहेगा टीडीएस यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे न्यू कैटेगरी हम डिफाइन करेंगे इसकी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टीडीएस ऑन मेडिसिन्स। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पे सेक्शन 194Q बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 194Q डाल दीजिएगा इस तरीके से जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पेमेंट कोड 123 डाल दिया हमने, और रेट क्या रहेगा, तो रेट यहाँ मैं यहाँ पे 5% करता हूँ। ठीक है, थ्रेशहोल्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, वैसे तो थ्रेशहोल्ड 50 लाख का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 लाख आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 50 लाख, तो थ्रेशहोल्ड भी डाल दिया हमने, अब एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब यहां पर आते हैं तो यहां पर क्या आएगा, सर मैं क्या करता हूं, जो मेडिसिन है उसका जो बॉक्स आता है तो वहां पर उसका यहाँ पे गुड्स का बना देता हूँ अकाउंट एक, तो यहाँ पे मेडिसिन बॉक्स मेडिसिन कर देते हैं, मेडिसिन सीधा मेडिसिन करेंगे
मेडिसिन ये कर दिया, एंटर किया, एंटर किया, और यहाँ पे यूनिट में अल्ट सी करके बनाएंगे, तो यहाँ पे पैकेट्स कर देते हैं, पीकेटी PACKETS पैकेट्स आएंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर टीडीएस डिडक्टेबल रहेगा, ये यस कर दीजिएगा। आप इसे डिफाइन करना चाहते हैं नहीं कितना टीडीएस कटेगा, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर मान लीजिए कि क्वांटिटी आपने खरीदा कितना, जैसे मान लीजिए कि 1000 पैकेट्स परचेस किए, ठीक है, 1000, ठीक है, और एक जो गत्ता आता है उसका एक जो पैकेट आता है वो पड़ा आपको कितने का, 5000 का, ठीक है। तो यहाँ पे 5000 डाल दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 50, यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना आया है, लेकिन थोड़ा और अमाउंट बढ़ा देते हैं हम, यहाँ पे क्वांटिटी कर देते हैं 1500, ठीक है, तो ये 1500 कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अमाउंट बढ़ गया है, और अब नीचे आते हैं, तो नीचे यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जीएसटी तो लगाना नहीं, हमको सीधा टीडीएस ही लगाना है, क्योंकि ये वीडियो टीडीएस के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो नीचे आते हैं सीधा, और यहाँ पे अर्ट सी करके एक टीडीएस का लेजर बनाएंगे, टीडीएस ऑन मेडिसिन, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया। और यहाँ पर क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्या डालेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, और यहाँ पे टीडीएस रहेगा, और यहाँ पे देखिए टीडीएस ऑन मेडिसिन बनाया हुआ है, एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कराएंगे, और एक्सेप्ट करते ही देख सकते हैं यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, देख लीजिए गुड्स पर भी टीडीएस डिडक्ट हो गया है, और ये टैली ईआरपी 9 में हो रहा है, ठीक है। एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए इस तरीके से करके, और यहाँ पर टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड ऑन गुड्स, ये भी डाल दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से करके एंटर कर दीजिए, ये आपका टीडीएस हो गया क्लियर, ठीक है। अब एक बार आपने कंपनी में टीडीएस लगा दिया, तो हर महीने आपको चेंज करने की, लगाने की, बार बार ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ एंट्री पास करेंगे और काम होता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए अब दोबारा करना है यही चीज, तो यहाँ पर आइए, और जो भी आपकी क्रेडिटर पार्टी है, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर पार्टी यही हो, तो ये यहाँ पे लेके, यहाँ पर देखिए एक चीज गलती हो गई, ये मेडिसिन सर्विस है और यहाँ पर इसको अल्टर करना होगा, तो यहाँ से अल्टर कर लेते हैं, अल्टर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ से जाएंगे अकाउंट इन्फो पर, यहाँ से जाएंगे लेजर पर, और लेजर पर जाके इसको अल्टर कर लेंगे। तो ये हमारा ये है रोहन मेडिसिन, तो यहाँ पे रोहन ROHAN मेडिसिन सर्विस था, तो इसे अल्टर कर लिया हमने, कंट्रोल ले कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब इसका बिल एक बार देख लेते हैं कैसा इसका बिल आया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से दो बार डी प्रेस करेंगे, अल्ट F2 करेंगे, और यहाँ पे 1/4/2023 से लेकर, और ये कर देते हैं, तो ये देखिए ये हमारा बिल है, इस तरीके से ये बिल आएगा, और ये देख सकते हैं TDS किस तरीके से कटा हुआ है, इसके साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जितना TDS कटा हुआ है 3,75,000, ये माइनस हो गया, 75 लाख है ये, देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहां से क्या करना है, यहां से बाहर आना है, अब जब भी आपको करना है, अब यहाँ पे डेट चेंज करके जब भी आप करना चाहेंगे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 जून में करना है आपको, तो ये आए, एंटर किया, एंटर किया, और यहाँ पे रोहन मेडिसिन सर्विस किया, एंटर किया, एंटर किया, और यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया। अब यहाँ पर फिर वापिस से वही दवाइयों की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इस बार कर देता हूँ सिरप, सिरप, ठीक है। तो सिरप काफी लार्ज अमाउंट में मंगाया गया, ठीक है, और इसके पैकेट्स मंगाया गया, और एक पैकेट में बहुत सारे सिरप होते हैं, तो यहाँ पर अब एंटर करके, एंटर करके, और फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 2000 जो है गत्ते मंगवाए गए, सिरप के पैकेट्स मंगवाए गए, और एक जो गत्ता है उसकी कीमत कितनी पड़ी, तो खरीद रेट पड़ी 2000 रुपए, ठीक है, तो 2000 रुपए पड़ी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 40 लाख ही ऑन मेडिसिन, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी TDS डिडक्ट हो गया है, यहाँ पर भी TDS डिडक्ट हो गया, और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, एंटर एंटर करके इस तरीके से। तो ये TDS की एंट्री बहुत आसान है, ठीक है ना, गुड्स में भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल इजी है। आई होप कि बात समझ में आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।